राजीव गांधी हत्याकांड में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। इस याचिका में सभी सात दोषियों की रिहाई पर रोक लगाने की गुजारिश है। आपको याद है, तीन दोषी जिनकी सजा सुप्रीम कोर्ट ने फांसी से उम्र कैद में तब्दील की थी, उनकी रिहाई पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक रोक लगा रखी है और अब बाकी के चार दोषियों की रिहाई के मामले पर कोर्ट 27 फरवरी को सुनवाई करेगी। और इसी क्रम में आपको बता दें, केंद्र ने अब इन चार दोषियों की रिहाई पर भी रोक लगाने के लिए एक अपील दाखिल की है। राजीव के उन सात हत्यारे जिन्हें छोड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार ने पहले ही कहा था, और इसी क्रम में जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन दोषियों के खिलाफ उनकी रिहाई के खिलाफ रोक लगाई थी, संथन, मुरुगन और पेरारीवालन इन तीनों के नाम है, इन तीनों के खिलाफ इनकी रिहाई पर रोक लगाई थी, और अब चार दोषियों की रिहाई के खिलाफ भी एक अपील केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। प्रभाकर, केंद्र की इस अपील में क्या कहा गया है? वंदना, सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों एक आदेश दिया था स्टेटस को का, जिसमें राजीव गांधी के तीन हत्यारों संथन मुरुगन और तिरुवरम के मामले में जो स्टे लगाया था, उसके बाद टेक्निकली चूंकि सात लोगों को की रिहाई का फैसला तमिलनाडु सरकार ले रही थी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन लोगों पर ही स्टे लगाया था, तो टेक्निकली चार लोगों को के मामले में तमिलनाडु सरकार स्वतंत्र थी, वो चार थी तो रिलीज कर सकी थी। ये अप्रिहेंशन था केंद्र सरकार के पास, इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी लगाई और ये मांग की कि चूंकि सात लोगों में तीन लोगों पर स्टे, इसलिए चार लोगों पर भी स्टे लगाया जाना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने मैंशनिंग की और मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने ये कह दिया कि जो बाकी चार लोग हैं उनकी भी रिहाई नहीं होगी और अगली सुनवाई इस मामले में, चार लोगों के मामले में अगली सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय की गई है। तो कुल मिलाकर ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तीन लोगों पर स्टे लगाया था, उसी का एक्सटेंशन हुआ ये कि सातों लोगों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मतलब ये कि तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के सातों हत्यारों की रिहाई नहीं कर पाएगी फिलहाल। पहले भी प्रभाकर, तीन लोगों की रिहाई के खिलाफ अर्जी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और अब बाकी के चार दोषियों की रिहाई पर रोक लगाने के लिए यह अर्जी दाखिल की गई है, ऐसा क्यों? वंदना, देखिए, टेक्निकल तौर पर उसी दिन सातों लोगों की रिहाई नहीं हो सकती थी, लेकिन चूंकि सबका कन्विक्शन एक ही तरह के अपराध में हुआ है, सबके कन्विक्शन में सीबीआई ही प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था सब पर लागू होता था, लेकिन टेक्निकल तौर पर तमिलनाडु सरकार के पास ये कहने के लिए बहाना जरूर हो सकता था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीन लोगों के ही मामले में स्टे लगाया है, इसलिए वो चार लोगों के मामले में कोई भी फैसला कर सकती थी, इसीलिए यही अप्रिहेंशन था केंद्र सरकार के पास, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने नई एप्लीकेशन लगाई और ये उसमें कहा गया कि चूंकि एक ही मामले में सात लोग हैं, लिहाजा सातों के स्टे पर रिहाई पर स्टे लगना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को एडमिट किया है, बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी और तब तक तमिलनाडु सरकार इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकती।